नमस्कार, नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आप दर्शकों के डिमांड को देखते हुए आज से हम अपने सेट में प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं। आज से प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी। आज से इस वीडियो में हम आपको 15 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, अर्थशास्त्र और भूगोल से रहेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। सवाल नंबर 1, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? ए सत्यपाल मलिक, बी फागु चौहान, सी द्रौपदी मुर्मू, डी आनंदीबेन पटेल। इसका सही जवाब है बी फागु चौहान। सवाल नंबर 2, बिहार को कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर दो भागों में बांटती है? ए सोन नदी, बी गंडक, सी कोसी, डी गंगा। इसका सही जवाब है डी गंगा। सवाल नंबर 3, भगवान बुद्ध को किस जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ए बोधगया, बी सारनाथ, सी वैशाली, डी राजगीर। इसका सही जवाब है ए बोधगया। सवाल नंबर 4, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी उधम सिंह। इसका सही जवाब है सी लाला लाजपत राय। सवाल नंबर 5, मगध के राजा अजात शत्रु किस वंश के राजा थे? ए मौर्य, बी हर्यक, सी नंद, डी गुप्त। इसका सही जवाब है बी हर्यक। सवाल नंबर 6, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ए डांडी, बी असहयोग, सी खिलाफत, डी भारत छोड़ो। इसका सही जवाब है डी भारत छोड़ो। सवाल नंबर 7, खनिज या मिनरल क्या है? ए द्रव, बी अकार्बनिक ठोस, सी गैस, डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब है बी अकार्बनिक ठोस। सवाल नंबर 8, भ्रूण किसमें मिलता है? ए फूल में, बी पत्ता में, सी बीज में, डी कली में। इसका सही जवाब है सी बीज में। सवाल नंबर 9, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? ए विराट कोहली, बी स्टीव स्मिथ, सी डेविड मलान, डी बाबर आजम। इसका सही जवाब है ए विराट कोहली। सवाल नंबर 10, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ए ईरान, बी अमेरिका, सी वेनेजुएला, डी UAE। इसका सही जवाब है बी अमेरिका। सवाल नंबर 11, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी हाई कोर्ट के जज। इसका सही जवाब है बी राज्यपाल। सवाल नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ए हेग, बी न्यूयॉर्क, सी जेनेवा, डी पेरिस। इसका सही जवाब है ए हेग। सवाल नंबर 13, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ए सूचना का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी मकान का अधिकार। इसका सही जवाब है सी शिक्षा का अधिकार। सवाल नंबर 14, भारत का कार्यपालक अध्यक्ष कौन है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल के नेता, डी भारत सरकार के मुख्य सचिव। इसका सही जवाब है ए राष्ट्रपति। सवाल नंबर 15, एस्किमो कहाँ के निवासी को कहते हैं? ए कनाडा, बी मंगोलिया, सी मलाया, डी श्रीलंका। इसका सही जवाब है ए कनाडा। पिछले सेट में हमारे जिन दर्शकों ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए उनके नाम है संतोष कुमार चौरसिया, मोहम्मद नौशाद अंसारी, नीतीश कुमार सहनी, विजेंद्र क्लासेस, यशवंत आर्य, सौरभ मिश्रा, खुशबू कुमारी, पूजा कुमारी, बबलू शर्मा, एस के राज, नीरज कुमार, काजल कुमारी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सबसे ज्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।